आज जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका नाम है अभिषेक मिश्रा जी। ये इस समय बीटेक की पढ़ाई कर रहे हैं बीबीडी लखनऊ से और ग्रामीण परिवेश को बहुत करीब से देख करके आ रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। हम मौजूद हैं सीतापुर में। तो अभिषेक जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अभी इतने करीब से पंचायत चुनाव की तैयारियों को देख करके आ रहे हैं, तो किस प्रकार की आपने कोरोना के मद्देनज़र वहाँ पे खामियां देखी, कुछ पहले के हिसाब से कमियां रहीं इस बार या कि उसी तरीके से पंचायत चुनाव के कैंपेन जारी? जैसा कि विहून जी, आपकी बात को मैं बात को लेकर बताना ये चाहूँगा कि इस समय गाँव में जिला पंचायत और ग्राम पंचायत दोनों की रैलियाँ और उनके चुनाव के जो कार्यक्रम हैं वो चल रहे हैं और पहले से कोई भी कमी नहीं है, बल्कि लोग सोच रहे हैं कि इस बार कोरोना है तो लोग बाहर से आए हैं, उनको ज़्यादा बताना होगा, जो नए लोग आए हैं तो हमें वोट दें। तभी लोग घर घर जाके उनके पैर छू रहे हैं, गले मिल रहे हैं और इस तरीके से वोट मांग रहे हैं, बल्कि गवर्नमेंट ने साफ साफ कहा है कि मास्क पहने, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और दूरी बनाए रखें, लेकिन गाँव में ऐसा कुछ भी नियमों का जो पालन है वो नहीं किया जा रहा है। तो इसी बीच हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि जहां इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के सीतापुर में, यहां पर रोज़ ही गांवों से भी 200 से अधिक केस रोज़ देखने को मिलते हैं। तो इस बीच जब इतने केसेस देखने को मिल रहे हैं अभिषेक जी, और दो बार सरकार और लोगों द्वारा ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये याचिका भी दी गई है कि चुनाव टाल दिए जाएं, ऐसे में आपका क्या विचार रहेगा कि क्या चुनाव को टाला जाना एक अच्छा विकल्प हो सकता था या अभी भी कुछ किया जा सकता है? जी, ये इस बात पर मैं कहना चाहूँगा कि ये जो विकल्प है ये अच्छा हो सकता था, क्योंकि इस समय लोग बाहर जिला खासकर तो जो इस समय जैसे कि बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन हुआ है उसके चलते लोग, कई लोग जैसे दिल्ली में हमें पता है कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है, तो वहाँ उत्तर प्रदेश के लोग भी काम करते होंगे, वो अपने अपने गाँव में गए हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता कि उनको ये बीमारी हो, ये संक्रमण उनके भी हुआ हो। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए था, ये टाल देने चाहिए थे, जिससे कुछ नहीं तो थोड़े दिन के लिए तो टालना चाहिए था, जिससे हम लोगों के जो कोरोना संक्रमण है ये रोका जा सके था। जीवन में पहली बार स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप जाएं और वोट ज़रूर दें। अगर आप किसी भी तरीके से बीमार अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। हम आपसे एक बात और जानना चाहेंगे अभिषेक जी कि ऐसे में इस प्रचार को कम करने के लिए, रोकने के लिए क्या आपके हिसाब से क्या बेहतर सुझाव हो सकते हैं जिस पे इलेक्शन कमीशन या सरकार या फिर उच्च अधिकारियों को फैसला लेना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से ये सुझाव है कि इलेक्शन कमीशन को ये नियम बनाना चाहिए कि जितने भी प्रत्याशी ग्राम पंचायत या जिला पंचायत के चुनाव में खड़े हुए हैं वो घर घर जाकर वोट ना मांगें, एक कोई अपना मैदान लें और वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र की व्यवस्था कराएं और वहाँ रैलियाँ करें। और जहाँ तक कि मेरा सबसे अच्छा ये विचार है कि माइकों पे अनाउंस कराएं, वो सबसे सही है, और जो माइक पे अनाउंस कर रहा हो उसको उसके लिए सैनिटाइज़र मास्क का व्यवस्था कराई जाए। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पंचायत चुनाव और जिला पंचायत में हमने सुना है कि प्रत्याशी लोग जो खड़े थे उनकी भी मृत्यु हुई है, तो इसके चलते सरकार को इस पर सोचना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात कही है अभिषेक जी ने, जो कि सच भी है कि हमारे सामने खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव में प्रत्याशी खड़े थे उनकी भी कोरोना से निधन की खबरें बहुत ज़्यादा साधारण सी बात हो चुकी है यहाँ पर। ऐसे में ये बहुत चिंता का विषय बन जाता है सरकार के लिए। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जो इतने करीब से अभी पंचायत चुनावों को देख करके आ रहे हैं, तो आपके तरफ से आप क्या प्रिकॉशंस रखेंगे वोट डालते समय चुनाव में, या आपके घर वाले क्या रखेंगे? जी, मैं अपने घर वालों से और मैं यही सोचूंगा कि मैं मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करूँ। और मैं चाहूँगा जहाँ पे, जैसे कि हम सभी जानते हैं, सरकारी विद्यालयों में जहाँ जिस गांव में वोटिंग होती है वहाँ के सरकारी विद्यालय में वोटिंग होती है, तो मैं चाहूँगा इलेक्शन कमीशन से कि वहाँ पुलिसकर्मी ज़रूर हों, दो पुलिसकर्मी तो ज़रूर हों, क्योंकि गांव के लोग जैसा कि हम लोग जानते हैं थोड़े ज़िद्दी स्वभाव के होते हैं,
तो अगर उनसे वहाँ के बी एल ओ ने कुछ कहें तो अक्सर हम लोग सुनते हैं मार धाड़ की और लाठियाँ चल जाती हैं, ऐसा कुछ हम लोगों ने सुना भी है। तो वहाँ पुलिस का और कोरोना के संक्रमण में जब टोकेंगे वो लोग कि आप सोशल डिस्टेंसिंग पालन की, अगर वो बात नहीं माने तो लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है और प्रत्याशियों में भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है इसके चलते कि आप हमारे लोगों को क्यों कह रहे हैं। तो मैं चाहूँगा पुलिसकर्मी वहाँ हों और जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था करें। तो आज के इस कार्यक्रम में समय देने के लिए अभिषेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं आपको भी धन्यवाद। तो इस बीच एक बहुत बड़ी बात जो सामने निकल करके आती है वो ये है कि आप सबसे ऑर्डरिंग अभिषेक जी और मेरा बहुत बड़ा एक निवेदन रहेगा कि कृपया कुछ भी गलत ना करें, हो सके तो अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि आप वोट देने के लिए जाएं, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के सभी सेफ्टी मेजर्स का फॉलो करें। इन्हीं विचारों के साथ मैं विभिन्न शुक्ला आपसे विदा लेता हूँ, मिलेंगे ऑर्डरिंग के एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों की सहायता करते रहें, धन्यवाद।